पेड़ों के पत्ते तक मुरझा कर झड़ गए, आकाश में बादलों का नाम तक नहीं, देश भर में हाहाकार मच गया। लेकिन सभी दुखों का अंत होता है, फिर से आकाश में बादल उमड़ आए। जमीन अब कैसी हो गई है? इसके साथ लिपटी चली आ रही है भैया, जैसे बातें कर रही हो। अरे मेरी बहू ने मन्नत मानी थी ना, उसी का फल है, तो मिठाई खिलाओ। और मेरी बहू ने जो अपने खून का चढ़ावा दिया था, एरवी के मैंने व्यक्ति किया। जब तू मेरे लिए खाना लाया करेगी तो दूर से रुन झुन की आवाज आया करेगी, बहुत मजा आया। छोड़ो भी, अब क्या मेरी पायल पहनने की उम्र रही है? तो तू बूढ़ी हो गई है क्या? वाह, आइडियल सिचुएशन। चलिए ठाकुर साहब, आपके दौलत खाना पर चल के बातें करेंगे। तशरीफ लाइए। ये जमींदार जी की मोटर आज यहाँ कहाँ? इन्हीं दिनों यहाँ इनकी मोटर को पहले भी दो एक बार देखा है। जमींदार जी के साथ जो दो तीन आदमी हैं, वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई, जमीन जमींदार जी की, वो जो चाहे सो करें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है, बीच का ये दो बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बनी नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। उठी में है, मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ, आप कर ही लीजिए। बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब तर फस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रोस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं। द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, चेयरमैन रईस आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी। हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब, बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब, जमीन की कोई फिक्र नहीं, फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी, फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों ना कदम बढ़ाया जाए। ठाकुर साहब, कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही महबूब साहब जहाँ आया करेंगे। सरकार कौन? शंभू। हाँ हाँ, बैठ। नायब जी, वो कागज लाइए। अभी लाया हजूर। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है हजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं, यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर हमारे माए बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी दो बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर, पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा, नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है,
नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत। अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम महसूद के चुका जाओ। कल तक? चार दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए, सरकार, सरकार। 5 बरस। जा बचवा, जरा अपनी स्लेट और पेंसिल तो ले आ। आओ बापू, तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। क्या है, क्या है बाबा? जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बाबा। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुनून है। इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है, ये भी हाथ से निकल गई तो भूखो मरना पड़ेगा। आखिर तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं जाता बाबू, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ले आया हूँ बापू। आ गया बेटा। हाँ। तू तो सब हिसाब सीखा है ना। हाँ। जरा सब जोड़ के बता तो। लिख, बीज के लिए धान 2 बरस का 20 रुपए, 20 रुपए। मामला 3 बरस का 12 रुपए, 2 छकड़े फूस 8-8 रुपए। जरा ठहर ठहर कर बोलो बापू, सब गड़बड़ हो जाती है। 8 और 8 हुए 16 और मिलाए 12 तो हुए 28। हाँ। और नकद लिए थे 3 रुपए 1 बार, 7 रुपए 1 बार और 2 रुपए 1 बार। इन पर सूद कितना होगा? बहुत होगा, 5 रुपए। 5 रुपए लिख, 5 रुपए सब मिलाकर कितने हुए? जरा ठीक से जोड़ना, गड़बड़ ना हो जाए। 65 रुपए। 1 साथ इतने कहां से मिलेंगे? सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। अजी कुछ बोलो भी मुझसे। किस मुंह से कहूँ पार्वती, मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओ, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं नहीं पारो, रहने दे, तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं, अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा। आपके दिए पैसों का कर्जा आ चुका रहा, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता सरकार। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी खाता देखकर बताइए तो इसके दिन में कितने बकाया है? जी खाते में बाकी लगान, बीज के लिए धान, नगद वगैरह सब मिल मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। ये किसका हिसाब देख रहे हो नायब जी, जरा ठीक से देखो ना। ओह, तो शायद मुझसे भूली हुई। तेरा नाम शंभू महतो तो नहीं है? हाँ हाँ, शंभू, शंभू महतो। तब तो तेरा ही हिसाब है। इसे हिसाब ठीक तरह समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूँ। अरे राम राम राम, आप जैसा धर्मात्मा और देख तो ये तेरे ही अंगूठे का निशान है ना। उस अकाल के वक्त 20 रुपए मन की दर से 5 मन चावल गिनिएगा। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक हजूर के बागीचे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो उस कहत के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था, वो कहाँ से आता था? हजूर मेरे बाप, मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा। हजूर हजूर मेरे बाप, मैं आपके पांव पड़ता हूँ हजूर। आज जिसके पांव पकड़ रहा है कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा। बस अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। मुझे कुल 65 रुपए ही देने। जो बात तुमसे पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। 30 रुपए मन की दर से 5 मन चावल तुमने उधार लिए। मगर हजूर मेरे बाप ने बेगार में। तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तुमने उन चावलों की कीमत चुकाई? नहीं हजूर, तुम्हारी तरफ 3 बरस का लगान बाकी है। 1 बरस का हजूर, 2 बरस का लगान तो मैं दे चुका हूँ। उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह हजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ फिर, वही गवाही दे जाए। दिस इज द पॉइंट योर ऑनर। तो तुम्हारी तरफ 5 मन चावल, बीज के लिए धान, बाकी लगान, 2 छकड़े फूस और 50 रुपए नकद, ये सब मिल मिला के कितने हुए? 65 रुपए हजूर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हजूर। मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह वल ठाकुर जौहर सिंह साकिन रायपुर की मुदायले शंभू महतो वल गंगू महतो साकिन गोपीपुर के खिलाफ दी हुई दरखास्त, जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह
अपने 235 रुपए 8 आने के कर्ज के इवज में मुदायला शंभू महतो की जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत चाहता है, अदालत नामंजूर करती। लेकिन मुदायला शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें मुदई ठाकुर हरनाम सिंह का दावा झूठा साबित हो सके, इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया ना चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार है। हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब मैं भूखे मर जाएंगे हजूर। इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हजूर।